विजन होना है, कमिटमेंट होना है और मैनेजमेंट कैपेसिटी रहना है। तो क्या हम मान लें कि आप 24 के लिए प्रिपरेशन जो जारी किया जा रहा है? आई वॉज इन ऑफिसर्स, मैं मतलब अपना हिसाब से जी सकता था, बट इस मंत्र को लेके तेनिसपा में मैंने MLA बनने के लिए कोशिश किया। अनलकीली 29 वोट से हारा, बट आने वाला इलेक्शन में कम्युनिटी हॉल इनोग्रेटेड बाय श्री अशोक ताजो, डीसी इंचार्ज कम पीडी डीआरडी इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट सपा अरुणाचल प्रदेश एंड प्रेजेंट ऑफ श्री एलिंग तालंग प्रेसिडेंट बीजेपी इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑन 5 मई 2023 सैंक्शन अमाउंट रुपीज 25 लाख अंडर अंटेड फंड एजुकेटिव एजेंसी RW सपा डिवीजन। थैंक्स। पूरे इधर में अभी गैदरिंग होती है, अभी तारीफ कर रहा है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अपना लीडर को ऐसा ही करना है। अभी हमारा हम ये बताने आया कि हमें सरकार आपको क्या क्या देता है। माध्यम से मैं यहाँ जेजू ददा में पहुँचा है 2019 30 जनवरी में मैं यहाँ पहुँचा था। बाय पॉलिटिकली ऐसे MLA कॉन्टेस्टेंट के हिसाब से मैं यहाँ आया था। मैंने देखा लास्ट 15-20 ईयर्स में जो हमारे फॉर्मल लीडर जो है, ये बस्ती में कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया। और ये बस्ती का जो नीड्स जो मैंने देखा, कम्युनिटी हॉल का ज़रूरी था। तो मैंने एक कमेंट दिया था कि हम ये कम्युनिटी हॉल दे देगा बोल के, सरकार से हम मांग देगा बोल के मैंने कमिटमेंट दिया। तो सरकार ने ये बात को लेके मैंने परसू किया। स्पेशली आप सबका माध्यम से मैं ये एक थैंक यू कहना चाहता हूँ, लाइक यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू एंड हमारा जो DCM जो बुजुर्ग हैं, हमारा एक पिताजी का समान है, उन्होंने हमको मदद किया। उनके जरिए से हमारा यहाँ का जनता जेजू ददा में जो एक 25 लाख का अनटेड फंड से मेरे को दिया है। तो ये जेजू ददा में मैंने देखा, तो यहाँ में जो नीड बेसिस में मैंने वो किया, जो जो मैंने लास्ट टाइम कमिटमेंट किया था, लाइक तशो मोरा हो गया, जेजू ददा हो गया एंड महबुआ हो गया एंड
तालंग बस्ती हो गया, मैंने वहाँ कमिटमेंट दिया था कि मैं कम्युनिटी हॉल सरकार से सिंह सिंह करा दूंगा। तो आने वाला में कुछ बस्ती रह गया लाइक चंबोंगलिया, मंख्या एंड रांग बस्ती, तो उनको भी इस साल मैं देने के लिए कोशिश करेगा। बट आई एम नॉट इलेक्टेड MLA, मैं चाहता हूँ कि इलेक्टेड MLA ही सिर्फ देना ज़रूरी नहीं है। बींग इंटेलेक्चुअल, बींग अ लीडर, जहाँ से मतलब फंडिंग किस तरह से फ्लो होना चाहिए, लास्ट 15 ईयर्स में एज पर ऑफिसर के हिसाब से जो मैं देखा, तो उस हिसाब से उस एक्सपीरियंस को हम अपना यहाँ का लोगों को सेवा करने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे जहाँ से फंडिंग निकलता है, मतलब अपना को पता है कैसे करने से क्या होता है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ देने के लिए कोशिश किया। और आप सब का माध्यम से मैं यहाँ कमेटी की, जेजू दादा का कमेटी हम लोग को इतना अच्छा से मतलब वेलकम किया है। और हमारा एक बड़ा भाई है, PD इज़ कमिंग, कम आज का दिन में DC इंचार्ज है, उन्होंने आज चीफ गेस्ट के तौर पे आया है। मैं आप सबका माध्यम से टीम एलिंग का मतलब तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी हमारे बस्ती वालों को इस तरह से प्रमोट करें और मतलब बस्ती वालों को सजेशन दें। बिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो आज एक दो वोट बोला है, हम ये चाहता है कि हमारे जेजू दादा का लोग भी, इंटेलेक्चुअल लोग भी ये समझने वाला बात है, उनको थोड़ा सा गौर करके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बोलता है उनको गौर करना ज़रूरी है। आपने भी इसमें जिक्र किया था कि एक लीडर को विजन होना है, कमिटमेंट होना है और मैनेजमेंट कैपेसिटी रहना है, तो क्या हम मान लें कि आप 24 के लिए प्रिपरेशन जो जारी किया जा रहा है? देखिए, बींग ए लीडर, लीडर हर कोई बन सकता है, हर आज का दिन में हर घर में लीडर है। बट एक लीडिंग जो लीडर होता है, जो समाज में सबसे बड़ा लीडर होता है, लाइक हमारा एक डायनेमिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, वो अरुणाचल का लीडर है, उससे बड़ा और अरुणाचल में नहीं है। हमारे तेनी सपा में जैसे कि आज का दिन में बड़ा भाई तापुक टाकू है, बींग इलेक्टेड MLA, वो जो कमिटमेंट करता है वो देना चाहिए। अगर किसी को वादा करता है लोग का सामने में, जब इलेक्टेड होता है तो लोग का सामने वादा करता है, तो देना भी तो चाहिए, क्योंकि बींग इलेक्टेड वो देना चाहिए। वो आज 15 साल हो रहा है, 10 साल में वो यहाँ कम्युनिटी, छोटा सा कम्युनिटी को देने नहीं सका, काफ़ी बार वादा किया होगा। बट बींग इंटेलेक्चुअल, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यही आप सबका माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि बींग ए लीडर उनको ये होना चाहिए कि कमिटमेंट को फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि इलेक्टेड वही है, समाज को वही चलाना है। और बींग ए लीडर, मैनेजमेंट किस तरह से जानना, वो अपना कैपेसिटी में जानना चाहिए और मैनेजमेंट कर देना चाहिए। जहाँ तक विजन की बात है, मैंने आगे भी स्पीच में बोला है, कल को रहो या ना रहो, बींग इलेक्टेड उनको ये सोचना चाहिए कि ये बस्ती में रास्ता चाहिए, ये बस्ती में स्कूल चाहिए, ये बस्ती में लाइट चाहिए, ये बस्ती में एक हेल्थ कम्युनिटी मतलब सेंटर चाहिए। तो उन समय में अगर करके रखने से हमारा बस्ती वाला का भाई बहन लोग, बुजुर्ग लोग, जो भी मतलब माँ पिताजी का जो सामान है, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होना चाहिए बोल के वो डेवलपमेंट का तौर पे विजन रखना चाहिए। जहाँ तक हम एक विश्वास का साथ में, हम ये एक उम्मीद लेके मतलब लास्ट 2019 में मैं उतारा, आई वॉज इन ऑफिशियल्स, मैं मतलब अपना हिसाब से जी सकता था, बट इस मंत्र को लेके तेनी सपा में मैंने MLA बनने के लिए कोशिश किया। अनलकीली 29 वोट से हरा, बट आने वाला इलेक्शन में मैं आपका माध्यम से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मंत्र को आप लोग आगे अगर समझ सकता है तो हमको समाधान करने से हम अच्छा लगेगा। आपका लीडिंग एक लीडर का तौर पे हम फेस करने के लिए, पब्लिक को सेवा करने के लिए हम जरूर मतलब सोचेगा बोल के, करेगा बोल के आप सबका माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का प्रोग्राम जो हम लोग का जो ये कम्युनिटी हॉल इनोग्रेशन प्रोग्राम था, तो हमारा एलिंग तालंग सर आया और हमारा PD साहब काम DC इंचार्ज सपा, तो हम सबको बहुत अच्छा लगा। और ये साथ साथ में हम ये थैंक यू कहना चाहता है कि एलिंग सर को, उसका थ्रो से ये कम्युनिटी हॉल जो हमको मिला, ये योजना मैंने डेवलपमेंट एक्टिविटी के बारे में उसने हम सबको कमिटमेंट दिया था और कमिटमेंट को पूरा किया, उसको हम एकदम दिल से उसको शुक्र गुजारे कि वो अच्छा लगा। क्योंकि हमारा यहाँ में हमारा जो अभी प्रेजेंट है, उसने कम्युनिटी हॉल बना देने के लिए 10 साल पहले से जो वादा किया नहीं हो पाया, तो लास्टली
एलिंग सर जो बोला है कि आपका यहाँ में कम्युनिटी हॉल नहीं है, मीटिंग प्लेस नहीं है, तो आप लोग को हम एक कम्युनिटी हॉल देगा बोला है, तो वो दिया। कहीं से भी मैनेज किया होगा वो, क्या होगा, मगर वो तो इलेक्ट्रिक लीडर नहीं है, फिर भी वो जो मैनेज करके दिया, जो उसका ऊपर लेवल में भी जो उसको मैंने मदद देने वाला को भी दिल से मैंने हम लोग जेजू दादा डेवलपमेंट कमेटी और यहाँ का पंचायत, यहाँ का रीति रिवाज का थ्रो से थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिटी हॉल है ये हमारा लॉन्ग फील्ड डिमांड था और काफ़ी साल से हमारा यहाँ में कम्युनिटी हॉल नहीं होने के कारण से जेजू दादा में बहुत सारा तकलीफ फेस करना पड़ा था। तो आज हमारा जो एलिंग तालंग जो लास्ट ईयर लास्ट 2019 इलेक्शन में जो हारा है वो जो कमिटमेंट उस समय में किया था कि जैसे भी हो जेजू दादा को इतना कम्युनिटी इतना बड़ा बस्ती है कम्युनिटी हॉल एक तो होना है बोल के, तो कमिटमेंट का हिसाब से उन्होंने आज जो ये कम्युनिटी हॉल को इनॉग्रेशन किया है। हमारा तो बस्ती का तरफ से हम एलिंग तालंग को सबसे वो धन्यवाद लेता हूँ। ये हम लोग का कम्युनिटी हॉल को प्रेजिंग MLA 15 साल में अभी तक बना है वो एक भी कम्युनिटी हॉल देने नहीं सका है। बिना MLA से भी को अगर डेवलपमेंट ऐसे लाया है हम उसको एलिंग तालंग को हम धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे आदमी को जो झंडे वाला को पब्लिक भी एक बार मौका देने से ठीक है, हमारा तरफ से हम ये कहना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे आपका डेवलपमेंट कमेटी का एक मैं भी मेंबर हूँ, तो आज का प्रोग्राम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एलिंग तालंग नहीं होता तो आज का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं होना था। तो सबसे पहले उसका वजह से आज हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम लगा हमारा जेजू दादा विलेज में 10 इस सपा में कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो मैं और एलिंग सर को बिल्कुल तहे दिल से हमारा डेवलपमेंट कमेटी की ओर से और जेजू दादा का हमारा जितना अम्मा बाबा की तरफ से मैं एकदम तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनने कुछ एक हमारा जेजू दादा में एक बहुत बड़ा कीमती जो हमारा समाज के लिए हमारे जेजू दादा जो डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए यूज़फुल के लिए वो उन्हें हार कर भी हमारे ऐसा एक डेवलपमेंट लाया, तो वो अचीव को मैं तहे दिल से हमारा जेजू दादा की पब्लिक की ओर से मैं एकदम धन्यवाद कहना चाहता हूँ।